सो एवरीबॉडी, दिस इज हरन फ्रॉम उत्तराखंड। वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज को जो SHO होते हैं, थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर, उनका हाउस टूर करवाने वाला हूँ। और उनको गवर्नमेंट कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देती है, बाहर से लोगों को लगता है कि पता नहीं भाई कौन कौन सी चीज़ें उनको मिलती होगी, लेकिन जो रियल में जो जो चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से एंट्रेंस है और ये सबसे पहले ये वाला रूम है, ये कॉमन रूम है, इसको डाइनिंग हॉल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरा खाली है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है, यहाँ पे चेयर वगैरह। और सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं आपको किचन। ये इस तरह की से एक किचन मिला हुआ है और किचन के जस्ट बगल में जो उनका अपना रूम है जहाँ पे वो रहते हैं, ये दो बेड मिले हुए हैं और इसके साथ एक अलमारी और 36 इंच का एक टीवी। और इसके साथ ही ये ड्रेस वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, और वॉल पे ही ये अलमारी बनी हुई है। जहाँ पे बेडरूम है उसके बगल में एक और रूम यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें कुछ सामान रखे हुए हैं, तो ये रूम नहीं दिखा सकता हूँ आपको। और इसके बाद वॉशरूम दिखाते हैं आपको। और ये वॉशरूम है और वॉशरूम के बगल में ये बाथरूम हो गया। और यहाँ पे ये बेजेस रखे हुए हैं उनके, और आपको पता होगा जिस पे ये तीन स्टार लगे होते हैं उनको इंस्पेक्टर बोलते हैं SHO, और जिन पे दो स्टार रहते हैं उनको SI बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, और जिन पे एक स्टार रहता है वो ASI होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो भाई इस तरीके से ये सारी चीज़ें, कॉमन रूम है, उसके बाहर विंडो है और बिल्कुल ये रोड के बगल पे ही है और अंदर से पूरा बाहर का नज़ारा दिखता है, पूरी रोड दिख रही है और इसकी जस्ट बगल में ही थाना है। भाई ये सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को मिलती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है जो हम लोग सोचते हैं बाहर से कि इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी उनको। तो ये सारा अपना पर्सनल सामान रखना पड़ता है उनको, और गवर्नमेंट सिर्फ यही चीज़ें देती है, बेड, टीवी और अलमारीज वगैरह, और किचन में भी जो जो सामान वगैरह हैं वो सब खुद से रखना पड़ता है। और जो खाना वगैरह आता है ना वो मेस से आता है, उनको खुद से नहीं बनाना पड़ता है। और जो जैसे कॉन्स्टेबल रैंक के पुलिस वाले हैं तो उनको खुद अपने क्वार्टर लेने पड़ते हैं, जो गवर्नमेंट क्वार्टर रहते हैं उसका किराया देना पड़ता है और खुद ही उनको खाना बनाना पड़ता है। लेकिन जो ऑफिसर रैंक पर रहते हैं उनको खाना वगैरह बना बुना मिलता है, अपने रूम पे ही उनको लेके आते हैं और बाकी सारा सामान अपना होता है।